मैंगो के सीज़न में मैंगो आइसक्रीम भी बहुत खा ली, मैंगो शेक भी बहुत पी लिया। आज हम बनाते हैं मैंगो वर्मिसली खीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। खीर बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, मैंगो, आपके पास जो भी मैंगो हो एक मैंगो आप वो ले सकते हो, इलायची पाउडर, चीनी, ये सेवियाँ हैं, ये भुनी हुई सेवियाँ आप चाहें तो कच्ची भी ले सकते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो ले सकते हो। सबसे पहले हमें मैंगो का पल्प रेडी करना है। इसके लिए मैंगो को हम काटेंगे पहले और एक स्पून की हेल्प से हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये पल्प डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने ये सफ़ेदा आम लिया है, आपके पास जो भी मैंगो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए पल्प हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़े रेशे होते हैं तो इसलिए पहले हम इसे छान लेंगे। एक बोल में हम स्ट्रेनर रखेंगे और ये मैंगो का पल्प हम उसमें डालेंगे और चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि ये रेशे वगैरह अलग हो जाएं। अब इस पल्प को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और 3 चम्मच डालेंगे हम वर्मीसेली। वर्मीसेली हमें ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 3 चम्मच लेनी है और इसे हम हल्की आंच पर भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, पानी हमें 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जब ये सेवियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध हमें फुल फैट वाला ही लेना है, टोन नहीं लेना, तभी हमारी खीर अच्छी रबड़ीदार बनेगी। इसे हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, और साइड में जो ये मलाई आ रही है इसे भी हमें कढ़ाई में डालते रहना है ताकि अच्छी रबड़ीदार खीर बने। अब एक कटोरी में हम 2 चम्मच दूध लेंगे और थोड़ा सा केसर उसमें डाल के भिगो के रख देंगे ताकि केसर का सारा एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाए। जब ये दूध हाफ क्वांटिटी में रह जाएगा उबल के, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें ये केसर वाला दूध डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट। मैंने काजू, बादाम, किशमिश लिया है, आप चाहें तो पिस्ता, चिरौंजी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर, अगर आप साबुत इलायची डाल दें तो उसे कूट कर डाल दें, और इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं। इसे हम बॉईल होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अब खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है बिल्कुल, और ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है काफ़ी, और हमारा जो मैंगो पल्प है वो तो हमने पहले ही रेडी कर लिया था, उसे हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। अब इसमें मैंगो पल्प हम डाल देंगे। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि खीर जब बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो तभी इसमें मैंगो डालें। अगर आप गर्म खीर में मैंगो डालेंगे तो खीर ख़राब हो जाएगी। जब बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो तो मैंगो मिक्स कर दें। मैंने 1 लीटर दूध में 1 मैंगो यूज़ किया है। ये देखिए वर्मीसली मैंगो खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे हम सर्व कर लेते हैं एक बोल में। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए मैंगो और मैंने इसे बादाम से गार्निश करके सर्व किया है। इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा ही सर्व करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।